प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए हनुमान जी की पूजा में सिंदूर का प्रयोग बहुतायत में होता है, बहुत ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, तर्क क्या है और अर्पित करने का सही तरीका क्या है? हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है और ये जो सिंदूर है ये नारंगी रंग वाला होता है। लाल रंग का मूलतः तो सिंदूर होता नहीं, वो कुमकुम होता है, लेकिन मुख्यतः जो सिंदूर है वो नारंगी रंग का होना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को अगर आप सिंदूर अर्पित करते हैं तो इससे आपके ग्रहों के दोष दूर होते हैं। अगर ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी ग्रह की वजह से आपको दिक्कत चल रही है, तो आप मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेंगे तो दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। ग्रहों की बाधा तो दूर होगी ही, अगर जीवन में दुर्घटना के योग बने हुए हैं तो उससे आप सुरक्षित होंगे और जिन कर्जों को लेकर के आप परेशान हैं उन कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये सिंदूर अर्पित करने का सही तरीका ये है कि एक चुटकी सिंदूर या थोड़ा सा सिंदूर पीपल के पत्ते पर या पान के पत्ते पर रख करके हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक नियम ये है कि जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, उनके लिए हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना उत्तम होगा। तो अगर आप महिला हैं और हनुमान जी की विशेष पूजा करना चाहती हैं तो आप सिंदूर मत अर्पित करिएगा, आप लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए हनुमान जी को जिस तरह से सिंदूर अर्पित करने की परंपरा है उसी तरह से हनुमान जी को चमेली का तेल भी अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने की भी परंपरा पाई जाती है, लेकिन भूल कर भी बिना सिंदूर के केवल चमेली का तेल अर्पित नहीं कर सकते। यानी सिंदूर और चमेली का तेल दोनों ही हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। चमेली का तेल एक मेडिसिन है, एक औषधि है और चमेली के तेल के अंदर विशेष तरह की सुगंध पाई जाती है, विशेष तरह की खुशबू पाई जाती है और ये औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। चमेली का तेल अपने गुणों की वजह से दवाओं में इस्तेमाल होता है और चमेली का तेल अपनी खुशबू की वजह से सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने मन को ठीक करना चाहते हैं, आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है या आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से आपकी मानसिक बाधाएं दूर होंगी, मन आपका एकाग्र होगा। और हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करने से या चमेली के तेल के संपर्क में आने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, ऐसा भी देखा गया है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का अगर आप दीपक जलाएं, रोज तो नहीं जला सकते क्योंकि बहुत जल्दी जलता है, बहुत तेजी से एकदम भग 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 करती जलता है, बहुत तीव्र गति से जलता है, तो रोज नहीं जला सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने आप चमेली के तेल का दीपक जलाइए। तीन फायदे होंगे आपको। पहला, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। दूसरा, कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। तीसरा,
किसी भी तरह की बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। अगर आप हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।